भैन के छोले, भैन के लौड़े साले, तूने भैन गंद मचा के रखा है, भैन चो साले टेम हो जा। हेलो गाइस, क्या हाल चाल? उम्मीद है यार सबके हाल चाल भाई बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए। तो आज फिर से खेल रहे हैं आर्क सर्वाइवल असेंडेड और आर्क अब्रेशन का इस मैप खेल रहे हैं आज फिर से। अब तो यही मतलब आर्क प्राइमल फेयर खेलने का तो यार दिल ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। मैं सोचता हूँ आज आर्क की वीडियो बनाऊंगा, प्राइमल फेयर खेलूंगा। पता, मैंने हाफ एपिसोड करके रखा हुआ है रिकॉर्ड, लेकिन पीसी रीस्टार्ट हो गया था, लाइट का थोड़ा इशू था, तो उसके बाद मैंने मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा। ठीक है, अभी कितने दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए हैं भाई, वो ऐसे पड़ा है बेचारा। तो चलो कोई बात नहीं गाइस। यार इसका कलर कलर कलर, हाँ यार लेवल नहीं है, क्या कलर है यार इसका। तो गाइस पिछली वीडियो में हमने मोस्ट पावरफुल डाइनो टेम करा गाइस, मोस्ट पावरफुल। अभी वो देख नहीं रहा है मुझे, और मेरा ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कीबोर्ड की जो सेल्स हैं गाइस वो गए काम से, अभी मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी ट्राई करता हूँ। ओके ठीक है, मुझे नए लाने पड़ेंगे ये वाले, देखते हैं गाइस। चलो, काफ़ी 4 साल हो गए हैं, तो 4 साल निकाल दिए भाई, और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया थे गाइस। तो अभी मैंने जो है भाई ये मोस्ट पावरफुल गाइस मैगलोसॉरस टेम करा था, और इसका डैमेज चेक करवाता हूँ। यहाँ पर एक लौंडा था, अब लौंडे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बेटे, जिसको गाइस पेल के दिखाता हूँ मैं आपको। देखो भाई कितना ज़्यादा डैमेज है, मतलब हम सोच नहीं सकते इसका इतना डैमेज भी हो सकता है यार किसी का, मतलब माननी पड़ी। लो कीबोर्ड की फिर से पिट्टी पिट्टी गोल हो गई है यार, कैसे रिकॉर्ड करूँगा, क्या करूँ अभी। इसको अभी होना था यार जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है, पहले तो यार ये बढ़िया काम कर रहा था, अब पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो गई। सज्जन को, ये सज्जन को क्या हो गया है यार थोड़ा। और देखना वो आर्चीना से कितने हैं गाइस यहाँ पे। ओके फिलहाल तो चल रहा है, और ये मैक्स लेवल भी नहीं हुआ है गाइस, नाइस। ओके चलो आ जाओ, थोड़े वस्तुएं इकट्ठी करते हैं गाइस थोड़ी सी ना, ये देखो। और ना मुझे एक काम और भी करना है, अपने को गाइस चाहिए अंडे, मतलब अपने को अंडे इकट्ठे करने हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं, है ना। थोड़ा मतलब मेरे को कोई ना कोई डाइनो रेडी करके रखना पड़ेगा यार अंडों के लिए, लेकिन मैं हूँ कि बस ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। तो अभी मैंने अपना मैंने कुछ देखा है कि अंडे कैसे कलेक्ट हों, लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई मॉड ही नहीं है यार जो अंडे कलेक्ट कर सके। तो अभी क्या किया जाए, तो एक तो मेरा आज का प्लान है हम डायर बेयर गाइस टेम करते हैं। ठीक है, काफ़ी समय हो गया डायर बेयर नहीं टेम करा, और चलो एक तो डायर बेयर टेम करेंगे। दूसरा क्या है, मेरा मॉस्चॉप था यहाँ पे यार, मॉस्चॉप मेरा कौन से वाला है, मेल है कि फीमेल है। ओके ये फीमेल है गाइस, ठीक है। तो अपने को मॉस्चॉप भी देखने हैं, मॉस्चॉप भी टेम करने हैं। और क्या इससे रेयर मशरूम मिल फ्लावर मिलते हैं यार, इस वाले से मैंने सुना तो है मिलते हैं, मुझे इससे भी मिल जाएंगे यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। देखते हैं गाइस मिले हैं, अबे नहीं मिले हैं यार, थोड़े डैमेज में डाल देता हूँ लौंडे के ना। नहीं इससे तो नहीं मिल रहे, इससे मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता मिल जाएंगे। पता नहीं कौन बोल रहा था किसी वीडियो में यार, कोई यूट्यूबर भाई अपना, किसी मिल वैसे उसने भी कहा था कि शायद मिल सकते हैं, तो ठीक है, मतलब उसके उसने भी अंदाजे लगाया था बेचारे ने मेरी तरह। ओके यार थैरी से मिल सकते हैं, लेकिन अपने थैरी तो कोई है ही नहीं ना, थैरी तो मैंने देखा ही नहीं यहाँ पे यार। और उस दिन मैं सोच रहा हूँ यार स्पाइनों से रेयर मशरूम निकाल के लाऊंगा, तो भाई क्या दिमाग कहाँ कहाँ घूमता रहता है मेरा भी, है ना। चलो कोई बात नहीं है, तो अभी चलते हैं गाइस। और चलो हम पहले ऐसा करते हैं, अपने को ना कुछ डाइनो ढूंढ रहे हैं जो कि अपने को अंडे दे सकें।
पहले तो देखो, ओए ओ, तो पहले इसको टेम करते हैं गाइस। चलो आ जाओ, ठीक है मैं ना ऐसा करता हूँ, बेस पे चलता हूँ। और अपनी ना पब्लिक मुझे बोल रही है यार कंपाउंड बो भी बनाओ प्लीज। तो प्लीज बोलने की तो जरूरत नहीं थी यार आपको, ठीक है। मेरा भाई बोल रहा था कि यार कंपाउंड बो यार मैं बना देता हूँ, प्लीज क्यों कहना यार, आप मेरे भाई हो। और इनको सज्जनों को क्या हो गया, इनका कलर कहाँ चला गया बे? ये तो ग्रीन कलर के थे ना। ओके पता नहीं क्या हो गया है, मतलब समझ में नहीं आया कुछ। तो अभी चलो हम बनाते हैं गाइस कंपाउंड बो, बनाते हैं पहले अपनी पब्लिक की डिमांड पे, और उसके बाद जो है रुको आगे का काम करते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस ये रही अपनी कंपाउंड बो, कहाँ बनेगी ये है, स्मिथी में बनेगी। चलो गाइस इसको बनाने का पहले तो हमने भी बड़ा काम जो है आज वो कंप्लीट करना है। और ये रही हमारी बो, तो इसको बनाते हैं गाइस। और अपने को कुछ एरो भी बना लेने हैं स्टोन वाले। नहीं नहीं मेरे पास स्टोन वाले कितने एरो पड़े हैं, 84 पड़े हैं गाइस, तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है। और नारकोटिक वाले कितने पड़े हैं, ओके 50 पड़े हैं गाइस, ये भी पूरे 50, तो ये तो बेटर है गाइस। और ये यार कीबोर्ड ने फिर से काम करना बंद कर दिया यार, अभी मैं जाके बाहर से का सेल लेके आऊं पहले, समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो अभी क्या किया जाएगा इस, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, चल पड़ो यार। क्या करोगे यार, ये तो चल ही नहीं रहे हैं। ओके वर्क कर रहे हैं, प्लीज यार आज का रिकॉर्ड करवा दो, मैं नए ले आऊंगा जाके। मैं चाहता हूँ यार ये देखो मुझे ये वाली भी फ्री में मिली है, तो नहीं यार मतलब ठीक है हम नई वाली बनाएंगे। और मैं चाहता हूँ चलो ना थोड़े अच्छे वाले सेल डालो इसमें, तभी मैं लेके नहीं आ रहा, थोड़ा बाजार जाएंगे तो तभी लेके आएंगे गाइस, ऐसे लोकली तो मिलेंगे नहीं। चलो तो अपनी बो बन के गाइस रेडी हो चुकी है। और बो के लिए क्या क्या चाहिए होता सज्जनों, इसके लिए चाहिए फाइबर वुड और मेटल। ओके फाइबर वुड मेटल, फाइबर वुड मेटल, फाइबर तो होगा वुड भी होगा, पता नहीं अभी मेटल होगा कि नहीं होगा। अपग्रेड स्टेशन कहाँ है, वही तो चक्कर है ना, देखो वुड ही नहीं है गाइस, यही मुझे लगा था। और मुझे वुड का कोई ना कोई प्रबंध भी करना है यार, वुड का ही बड़ी दिक्कत है। मैं चूहे को टेम करना चाहता हूँ यार, पब्लिक बता रही है कि जब वो ज़मीन के नीचे जाता है तब उसको फीड करना होता है, मतलब क्या किया जाए अभी, ठीक है ना। अभी देखते हैं फिर, और क्या अभी देख ही नहीं रहा कहाँ जाऊँ। तो चूहा भी, लेकिन मैंने यहाँ पे डायर बेयर देखा ना, मैंने चूहा भी देखा है लेकिन वो लो लेवल का है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम लो लेवल के चूहे को ही एक बार टेम करने का ट्राई मारेंगे। ओके यार आज गेम थोड़ा ब्लरी सा क्यों है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है आँखों पे प्रेशर पड़ रहा है। हाय भगवान, रुको यार मैं सेल लेके आता हूँ भाई। क्या बातें किए जा रहा हूँ मैं भी, मैं आता हूँ गाइस थोड़ा रुको, वेट करो प्लीज। ओके यार तो ले आया हूँ भाई, और पता नहीं फिर भी चल नहीं रहा था यार, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करी तो चल तो पड़े हैं अभी। पता नहीं यार कीबोर्ड ना ख़राब हो जाए, नया लेना पड़ेगा नहीं तो यार, चलो देखते हैं गाइस। तो अभी के लिए चलो मैं क्या कर रहा था, मैं कर रहा था अपग्रेड। चलो तो इसके लिए चाहिए था अपने को वुड, है ना, देखते कोई दिक्कत आती है कि नहीं आती अपने को। चलो क्या चाहिए अभी इसको, मेटल बिल्कुल भी नहीं है। ओके मैंने ध्यान नहीं दिया सॉरी शक्तिमान। चलो इस तो अब इसको अपग्रेड करते हैं, और आपकी डिमांड पे बना रहा हूँ मैं, इसको बनाना नहीं था मुझे लेकिन चलो पब्लिक ने बोला तो भाई क्यों नहीं यार, बिल्कुल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा सा आर्मर दियो और जियो मेरे लाल, ठीक है कम से कम 1000 का आर्मर देना तेरे को, सॉरी डैमेज देना,
ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्पर दे पाएँ। ठीक है, 600-700 तक जाएगा गाइस, मुझे पता है इतना ही जाता है। अबे एक बार में 30-30 तो आ रहा है यार, क्या ये घंटा जाएगा 600-700 तक, क्योंकि चला तो गया अभी फिलहाल ना। कभी कभी ना तकड़े वाला आर्मर आता है गाइस, 150-200 आई गैस हो गया है, हो चुका है गाइस। ये लो अपना एरो वगैरह इसमें भी लगा देता हूँ। तो लीजिए गाइस, गेट सेट रेडी। तो अभी हम पहले करते हैं ढोल की टेम, उसके बाद हम करेंगे अपने को अगर कोई मॉस्चा मिल गया वो टेम कर लेते हैं। ठीक है, और मेरी ओल्ड ढोल की कहाँ चली गई, ओल्ड वाली ढोल की मेरी कहाँ चली गई, हाँ ये रही, हाँ, ये है गाइस 401 लेवल का। और जो मैं अभी भी देख के आया था वो था अपना क्या बोलते हैं उसको, 500 कुछ लेवल का, तो खुद ही हिसाब लगा लो, यही है ना वो मेरे ख्याल से, हाँ 520 लेवल का है। बताओ भाई क्या ही मुकाबला है गाइस, अगर ये इसको बढ़िया से मिल जाए आर्मर तो कितना देखो डैमेज देगा ये। कहाँ चला गया, देख ही नहीं रहा यार, ये रहा, अभी मिस कैसे हो गया। थोड़ा इधर को ले आता हूँ ताकि जब भागे तो ये अपने बेस पे आए। अभी एक तो पत्तियां इतनी हैं यार, अबे कहाँ चला गया, हाँ हाँ आ जा, तेरे मुंह पे मारूंगा रुक जा। इसके मुंह पे लगाया, अबे किसको लग गया, अबे कहाँ गया ये, ओके वो जा रहा है गाइस, गया। हाँ हाँ, तो इसको क्या चाहिए इस सज्जन को, ये मोजो बेरी से टेम हो रहा है। और केबल, केबल कौन सी मांग रहा है, केबल से कर लेता हूँ, रेगुलर केबल। रेगुलर वाली एक केबल बन नहीं रही ना, इसमें से ना कुछ केबल, ओके मुझे पता ही था। तो ये दो नंबर वाली केबल बनानी है हमेशा मुझे, ठीक है मुझे याद, ये ध्यान रखूंगा मैं। जो दो नंबर पे आता है ना जो स्लॉट केबल का, वो वाला बनाना है, क्योंकि वही वाली केबल ही बनती, दूसरे वाली केबल बनती नहीं है। ले मेरे पुत्र जी जल्दी जल्दी खा ले और हो जा टेम, और तुझको छोड़ते हैं हम लोग अपने बेस पे। 8 नंबर, चल बेटे अंदर चलो गाइस। आज इतने FPS गिर रहे हैं ना, पता नहीं क्यों यार, कहाँ 60 FPS आते हैं और कहाँ 36 ही आ रहे हैं। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे, है ना, हाँ यहाँ पे रख देता हूँ। और अभी हम चलते हैं डायर बेयर टेम करने के लिए गाइस। तो मेरा रेवेंजर यार, मैं सोचता हूँ मैं रेवेंजर लेके ना जाऊँ और उसके लिए कुछ बना लूँ, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह या कुछ, उसको फंसा लें अगर हम लोग, फंसा के टेम करें थोड़ा यार, ये हमने कभी करा नहीं है। वैसे भी सीधा भी कर सकता हूँ मैं, हाँ सीधा ही करेंगे, चलो गाइस थोड़ा अलग ही काम चलेगा अपना लोगों से, है ना। चलो आ जाओ, तो हम अपने रेवेंजर सर जी को लेके पहुँचते हैं, जितना मुझे याद है वो कहाँ पे है, थोड़ा मुझे इस तरफ को जाना। और आगे जाके ना एक झरना आएगा गाइस, वाटरफॉल आएगा, वाटरफॉल के जस्ट आगे है वो गाइस, तो बस यही मुझे ध्यान रखना है। ये देखो ये आ गया वाटरफॉल, और वाटरफॉल से अपने को ऊपर जाना है, जहाँ मुझे जितना मुझे याद है अभी, हाँ यही वाला है, और अपने को काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़े से बात नहीं बनने वाली। और ये कितने लेवल के दुष्ट प्राणी हैं, 40 का है, 60 का है,
तुमको तो बेटा जी एक दो बार में खा जाऊंगा मैं, तुम तो नल्ले हो। थोड़ा सा ये रहा, हाँ मैं थोड़ा गलत आ गया, रुको मुझे ऊपर ही जाना है। ठीक है, मैं बस थोड़ा कंफ्यूज था कि कहीं मैं थोड़ा आगे ना चला जाऊँ, तो अभी देखते हैं। चलो स्टैगो आ गया, वो रहा गाइस। क्यों क्या बोलते, तेरे भैया को याद है गाइस ये रहा 400 लेवल का, और इसको हम टेम करने की एक कोशिश कर सकते हैं। वो कोशिश क्या है कि चलो रुको, एफएम के वाला अपने को चाहिए हनी, 1-2 हनी बना लेते हैं और इसको डालते हैं गाइस अपने लास्ट स्लॉट में। थोड़ा सा वेट करते हैं और जब ये लौंडा जाएगा नीचे तो तब इसको ट्राई मारना है, कहते हैं जब नीचे जाता है ना ये तो तब इसको ट्राई मारना चाहिए। मेरा डायर वेयर मेरे पे हमला तो नहीं करेगा ना, कहाँ है वो, दूर ही है। ओके ये इसका बच्चू है गाइस, लो फैमिली है पूरी। बच्चू कितने लेवल का तू भी? ओके जी ऐसे नीचे जाएगा, ओके ठीक है, ओके चला गया गाइस ये। यार पता नहीं, मैंने थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे ये क्या हो गया मेरे साथ ना, देखता हूँ मैं अभी, थोड़ा रुक जाओ एक दो बार और ट्राई करते हैं, इसके क्लोज क्लोज रहता हूँ और देखते हैं गाइस। अगर वुड मिल जाए ना अपने को तो मैं बेस बना लूँ अपना। ये भी बेबी हुई है तो है, अब ये भी नीचे जाएगा गाइस। चला जा, वो तो चला गया तेरा छोटा था कब से। अबे यार ये तो टेम ही नहीं हो रहा है। चलो मैं थोड़ी रिसर्च ही करूंगा गाइस, छोड़ो अब पता नहीं मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चलो मैंने खुद से कभी रिसर्च नहीं करा, मुझे कमेंट आया था अपने भाई का तो मैंने थोड़ा ट्राई करा। यार डायर बेयर कहाँ चला गया, आज का हमारा जो सज्जन है वो रह गए हमारा आज का प्रे या सज्जन डायर। अबे यार ये ये गंदे वाले गाइस पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ओके रुक जाओ 2 मिनट, सांस कम हो रही मेरी। ओके सेट है काम गाइस, पूरा सेट है काम अभी। और कहाँ पे है डायर बेयर? ओके ये फंस चुका है यहाँ पे। ओए होए होए होए, तो कितने नंबर पे लगी अपनी बो? ये रही अपनी बो रानी। अबे यार तू चला जा स्टैगो, वो उसी को लग रहा है भाई। हो ये तो फंस गया क्रिकी में गाइस, बन गई थोड़ी सी बात लगता है, वो हिल भी नहीं रहा, बस इसको ना लग जाए इस घामड़ को कहीं। अबे कहाँ चला गया वो? अबे मैं भी खुद फंस चुका हूँ उसमें ना, मुझे दूसरे वाला। ओके स्पाई ग्लास तो मैंने सही ऑन रखा है, वो कहाँ चला गया? अबे वो कहाँ चला गया बे? अबे वो ग्लिच होके नीचे ही चला गया, ऐसा हुआ है क्या? मेरा तजर्बा तो यही कहता है गाइज कि दिल के अरमां दिल में रह गए। बाकी नीचे चेक कर लेते हैं, नीचे भी वो हो सकता है, लेकिन नहीं गाइस हमारे दिल के अरमा दिल में रह गए गाइस, वो ग्लिच हो गया। अबे यार इतने अच्छे लेवल का तो मिला था। मॉस्टर रानी कितनी सियानी, कितने लेवल की है तू? मेल है ना?
चल ऐसा कर, तू आ जा फिर, अंडे चाहिए अपने को ना, और मेरे पास रेयर वाला मशरूम पड़ा भी हुआ है, देखो 212 पड़े हैं, 212 ठीक है। और कहाँ चला गया जय सज्जन? एक तो यार इस घास का कुछ करना चाहिए इन लोगों को ना, ये भी वही है। ओके ये वही वाला है, ओके गाइस, तो ये सज्जन तो हमने टेम कर लियो है। यहाँ पे एक और सज्जन था, वो कहाँ चला गया? रिवेंजर इधर आ यार, तेरे बिना काम नहीं बनेगा, मुझे व्यू नहीं मिल पाएगा। ये रहा, ये क्या मांग रहा है अभी? ओके ये किसी से भी टेम हो जाएगा, मतलब क्या चाहिए हम अच्छे से देखते हैं थोड़ा। ओके टिंडो बेरी से टेम हो रहा है, वो भी एक से ही, चल ये तो अच्छी बात है। ये ले मेरा टिंडो शिंडो खा ले तू, और तू होगा मेरा आज से नए वाला टाइगर श्रॉफ। तो गाइस इसको टेम करते हैं, तो इसको भी रखेंगे बेस पे, और इसलिए भी निकलवाएंगे अंडू शंडू गाइस, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं, और अपने को देखते हैं गाइस कौन मिलता है। अगर अपने को डायर बेयर मिल जाए तो वैसे बढ़िया यार, है ना, ये अच्छा ही है वैसे। चलो हम चलते हैं, थोड़ा ढूंढ ढूंढ के आते हैं। यार क्यों मार रहा है उनको, मुझसे पंगा लेना तू। केकड़ू, ओ केकड़ू, चलो गाइस इसके बच्चे को किसी ने गिरा के रखा हुआ है। तो अभी स्पाइनो, मुझे कहाँ जाना है, मुझे मैप चेक करने दो। ओके मैं सही जा रहा हूँ, तो मुझे इसी तरफ को जाना चाहिए। मुझे यार उस नदी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए पता नहीं, चलो मैं थोड़ा घूम ही लेता हूँ, है ना, क्या पता घूमने से कोई मिल जाए। तो ऐसा करता हूँ मैं ना, थोड़ा मैप घूमता हूँ, और मुझे जब भी कोई मिलता है डाइनो टेम करने लायक तो तभी मैं आपको मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मेरे साथियों, मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों, तो मैं अभी आया हूँ थोड़ी दूरी, तो अपने को देखो क्या दिखा है, टेमेबल वाला बेसिलिक, वो भी 340 लेवल का, देख रहे हो। तो ये अपने को गाइस टेम करना है, इसके लिए अपने को चाहिए, अबे यार तुम उसको मार दोगे ना, इनका थोड़ा मुझे ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरी लगा देंगे। मेरा स्टैमिना खा गया बिल्कुल भी, मार दिया इन्होंने उसको, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ओके ओके बेसिलिक आइगस हील हो गया है, उसने इसको खा लिया है। तो ये बेसिलिक है जो नॉक टेम है गाइस, देखो सॉरी नॉक टेम बोल रहा हूँ, पैसिव टेम है। तो ओके ये उसको मार देगा, तो ये देखो अभी मैं ट्राई कर सकता हूँ कुकड लैम्प चौंप, उससे टेम होगा ये, और एक में हो जाएगा ठीक है। तो पहले यहाँ से चलते हैं बेस पे, मैं ट्राई कर दूँ करूँगा, पक्का नहीं है गाइस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं जब मैंने चूहे पे ट्राई मारा है ना अभी इतने बार, तो मुझे डाउट सा हो चुका है अभी, तो इसीलिए मैं तो भाई पक्का नहीं बोल सकता, लेकिन चलो थोड़ा मीट कुक करके लेके आते हैं। ओके तो अभी हम आ चुके अपने बेस पे, और अभी अपने को निकालना है अपना, थोड़ा मेरा घूम गया सर, मेरा बेस कहाँ पे, ये देखो, तो मेरे पास वो पड़ी हुई है ना, हाँ ये रही, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, और इस पर डोडो पकाता हूँ थोड़ा सा ना। अबे मर जा यार, यहीं लग जा भाई, कहीं लग ही नहीं रही है, बताओ बताओ इन सज्जन को क्या प्रॉब्लम है। वुड 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 वुड, चलो गैस कोई बात नहीं, हम लोग ना ताजी वुड लेके आते हैं गैस, और ताजी वुड डाल के इसको चलाते हैं। ये रही, चलो तो अभी मैं ट्राई कर सकता हूँ उसको टेम करने का, लेकिन मुझे डर तो है, कहाँ चलेगी मैं मेरी फायरप्लेस,
यार इसमें कुछ दिखता ही नहीं है यार, क्या किया जाए, कैसा ना चूतिया सा काम है यार। चलो इसको कुक होने देते हैं, तब तक थोड़ा सा मेरे पास ना रिसोर्सेस पड़ा है तो उसको मैं स्मिथी में रख देता हूँ। बॉक्स वॉक्स तो बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है गाइस, बॉक्स तो मैं बना ही नहीं रहा। ठीक है तो चलो मौजूदरी भी चली गई, थैच वगैरह, और मेरे मॉस्चॉप्स आए हैं यार नए 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 मेरे साथी बंधु आए हैं मेरे घर में, तो इनको भी गाइस थोड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है तो इनका थोड़ा प्रेम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं गाइस। रुक जाओ, अनेबल मीटिंग। चलो बेटा जी, तुम थोड़ा अपना प्रेम का संबंध बनाओ और हम थोड़ा करते हैं अपना लौंप चौंप। नहीं बन रहा यार, कितना टाइम लगेगा लौंप चौंप बनने। बन तो रहा, एक बन गया गाइस। ठीक है तो दो तीन बना के लेके चलता हूँ और कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा यार? तेरा अंडू चाहिए अपने को, अपने को वो जो बड़ा सा है ना जिगेंटोसॉरस, पता नहीं क्या नाम है उसका, जिगेंटोरैप्टर, वो टेम करना है भाई। ओके तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। अपने पास कम से कम 10 अंडे होने चाहिए मेरा ये मानना है, और बहुत सारे दिख रहे हैं लेकिन एक मैंने हाई लेवल का देखा था। एक मुझे पब्लिक ने बोला था वाइट कलर का, यार वाइट कलर का टेम करो, वाइट कलर का मुझे थोड़ा सा याद है यार, तब मैं नया आया था मैप में, लेकिन थोड़ा सा मुझे याद है कि कहाँ मिल सकता है। तो आई ट्राई गई माई बेस्ट, वो भी हम टेम करेंगे क्योंकि वाइट कलर का है वो, बहुत बढ़िया था। ठीक है तो अंडे वंडे दे, ओके इसने अंडा दे ही देना है गाइस, बस हाफ तो हो भी गया है ना, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके गाइस तो किसी भी टाइम ये अंडा दे सकता है, और अबे यार इसका वेट नहीं होगा ना। चल बस 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 बेटे, अपने पास टाइम नहीं है। हाँ तूने बहुत अच्छा काम करा है। ठीक है तो चलो मैं एक निकाल लेता हूँ मतलब, और इसको निकाल के इसमें रख देते हैं, और तब तक अपने थोड़े लैंप चौंप जो भी बन जाएंगे। यार मैंने ये एग बनाया एक एफएमके वाला, पता नहीं ये क्या काम करता है, कितने दिन रहेगा बेटे, तो अभी ये तो ख़राब ही नहीं होगा कभी। चलो गाइस तो निकाल, थोड़ी मेहनत करते हैं और बात बन जाएगी गाइस। तो अपने पास अभी आ चुके हैं 3 लैंप चौंप। ठीक है तो ट्राई करते हैं गाइस, पैसिव टेम करना है उसको, और उसको पैसिव टेम करना कोई जोक नहीं है। मेरी शाइन हॉर्न को मैं यही रख जाता हूँ। ठीक है ऐसे खतरों का खिलाड़ी बनूंगा मैं, और मेरे पास जो थी ना टॉर्च, इसको मैं लगा लेता हूँ अपनी बेल्ट में ताकि थोड़ी रोशनी रहे। और हम जा रहे हैं गाइस, मान लो हम भाई जंग पे ही जा रहे हैं, यार मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर दिया यार, आएगी उतनी साथ में तो नहीं आ जाएगी। चलो देख लेता हूँ, साथ में आ गई क्या? हाँ यार ये साथ में आ गई मेरे। चलो कोई बात नहीं है बेटी, तू ना ऐसे कर घर पे चली जा। और हाँ अगर मैं मरता भी हूँ गाइस तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। वो रहा बेसलिक, और इसको हमको करना है टेम। अब ये किसी को मार रहा है और तब टेम होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बार तो इसके क्लोज जाऊँगा। अबे ये मेरे पे एग्रो हो गया, वाह। वैसे अच्छा भी है क्योंकि ये थोड़ा इधर को आ जाएगा।
पता नहीं मुझे देख नहीं रहा है। ओके ये रहा। आजा भूतनी वाले इस तरफ को आजा। जब मरवर गया तो तब मैं तेरा क्या करूंगा, क्योंकि तो जितने तू पंगे ले रहा है ना तू मरेगा पक्का। तू आजा इधर को आजा 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 कोने में आजा। इसको कैसे टेम करूंगा गाइज मैं, ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है। ये तो ऐसे एग्रो हो रहा है मेरे पे भाई, पूछो मत। प्लीज टीपी हो जा। और निकल जा यहाँ से यार। ओके गाइस उसको मैंने चकमा देने की कोशिश तो करी है, ठीक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं उसको चकमा दे पाऊंगा। वो रहा वो आई गैस ना, जब ये नीचे जाएगा ना तब इसको टेम करना है मेरे ख्याल से। लेकिन ये नीचे कब जाएगा, मुझे लगता ही नहीं है नीचे जाएगा यार। कोई ना कोई डायनोस को मिल रहा है यार, ये उसको मार रहा है, तो ये तो सबर ही है गाइस। अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा मुझे लेट के रहना चाहिए, क्योंकि तो देखो उसे वो मेरे पे एग्रो हो जाएगा है ना। तो देखते हैं गाइस थोड़ा, यार ये मार देंगे इसको, क्या करूं अभी। और मैं कुछ रुको, मैं कुछ डाइनो लेके आता हूं और ना थोड़ा एरिया क्लियर करते हैं पहले तो सारे का सारा, ताकि ये ज़मीन के नीचे जा सके। वो मेरा कहाँ पे है बड़े वाला योद्धा, ये रहा, इसको लेके चलता हूं और थोड़ा ना एरिया क्लियर करते हैं गाइस पहले। चलो ओके। तो वो रहा वो, कितनी हेल्थ है। ओके नीचे चला गया, अबे नीचे चला गया। अब देखो मैंने बताया था ना कुछ इसके पास आ जा रहा है। और ये यार इसको मैं अपने पे एग्रो करके ना इधर को लेके आता हूँ, थोड़ा ये वाला एरिया सेफ है। कितनी हेल्थ है, ओके हील हो रहा है बार बार, ये अच्छी बात है। जब ये नीचे जाएगा ना आई गेस इसको तब टेम करने का मौका है मेरे पास। मुझे अपने टॉर्प और पे ध्यान देना है, पता चले ये मुझे गिरा दे नीचे और मेरी लग जाए। अगर ये मिल जाए ना तो मजे आ जाएंगे इस, है ना। आई गैस मैं नॉक भी कर पाऊंगा डाइनोस को अच्छे से। वैसे बचा ही क्या है टीमिंग के लिए। अबे यार वही बात हो रही है ना जिसका मुझे डर था। ये उसको मार रहा है, इसने उसको नॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। यार तू भी अंधा ही है एक नंबर का ना। लो यार वो पैरासोर पता नहीं कहां से आ गया।
अब मुझे भाग जाना यहाँ से। ठीक है, इसका भी इंतजार करते हैं थोड़ा। जब जो नीचे जाएगा ना तब देखूंगा ट्राई करके, तो थोड़ा वेट करते हैं गाइस। तो जब तक गाइस वेट करते हैं यार, सब्सक्राइब कर लो हमको यार। ये अच्छी लोकेशन है बेस के लिए ना। कौन से वाला एरिया है? ओके 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 ओके। अब ये उसको नॉक करके बैठा है, उसको मारने में 2-3 घंटे लगाएगा, क्या किया जाए? यही हमारी गाइस किस्मत है आज तो। रॉक ड्रैग का एग बोल रहा है भाई ये, रॉक ड्रैग के एग से टेम होगा और मैग्मा सौर के एग से टेम होगा ये वाला बोल रहा है। और ये वाला क्या बोल रहा है कि नहीं भाई ये तो लॉम्प चॉम्प से हो जाएगा और कुकड प्राइम मीट से भी हो जाएगा। अभी दिल तो नहीं मानता मेरा, लेकिन मैं देखता हूँ होता है कि नहीं होता। यार ये तो बहुत चूतिया डाइनो है यार, मतलब बहुत हरामी डाइनो है ये, हरामी एक नंबर का। देख लो कब से ये चिपटा हुआ है, कब से, और हट ही नहीं रहा है गाइस। देखो इसने वो आगे चला गया, देखो बताओ, देखो ये किसी ना किसी को मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। इसको इस तरफ लेके आता हूँ थोड़ा। ये देखो ये किसी ना किसी को मारे ही जा रहा है, बच्चे पीट लिए लोगों के, बस यही काम है इसके पास। तू बहन के, तू यहां पे क्या लेने आया है यार? मेरे पे एग्रो हो जा प्लीज। चलो अभी मुझे भागना है यहां से कंटिन्यूस ना। हाँ, पीछे तो आ रहा है मेरे वो, पर पता नहीं अभी क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा खुद ही। चला जा जमीन के नीचे ओए। तेरी तो हराम खोर कहीं का। कहाँ चला गया ये? अबे यार मैंने इतना एरिया क्लियर करके रखा है लेकिन ये बंदा टेम नहीं हो रहा है भाई। क्या निशाना लगाया यार तूने, मानना पड़ेगा तेरे को बेटे, तू निशानेबाज है। इसको कैसे टेम करूंगा गाइस, ये तो मुश्किल लग रहा है यार मुझे। अभी अंडा वंडा गिराना तो नहीं होता ना कहीं? अब भी पीछे आ रहा है यार, हराम खोर है तू एक नंबर का। आ, पत्थर ने बचा लिया, चलो आजा। ओके ये शांत तो हो चुका है थोड़ा ना, अभी मैं थोड़ा लेट लेट के जाऊंगा। ठीक है गाइस, टाइम तो जाएगा लग मुझे। थोड़ा क्लोज तो जा चला जाऊं पहले।
मुझे वैसे पता ही नहीं है वो कहाँ पे छुपा हुआ है। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है एक। बस वो निकल ही आएगा यार। मुझे लगा ही था ये इतनी जल्दी कैसे टेम हो सकता है, नहीं हो सकता। मैंने बोला था ना ये हराम का पिल्ला है पूरा बहन का। छोड़ो यार। ये पूरा ना बहन का भाई है, मैं बता रहा हूँ आपको। पता नहीं बहन कहाँ पे स्पॉन होता है और कहाँ पे छुपता है, पता ही नहीं चलता यार मैप पे। मार दूँ साले क्या तुझे भी? दिल तो मेरा ऐसा ही कर रहा है कि तेरी फाड़ दूँ, तेरी जी फाड़ दूँ तेरी। आप बोल रहे हो कि गिली सूट बना के लेके आओ, है ना? तो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं गिली सूट लेके आता हूँ। ट्राई करते हैं गाइस। तो गिली सूट तो ये रहा गाइस गिली सूट। इसके लिए क्या क्या चाहिए? फाइबर चाहिए, बन जाएगा ये। तो ये मैं बना रहा हूँ और ट्राई करते हैं गाइस। कहाँ बनेगा? मेरी इन्वेंटरी में बन जाएगा? पता नहीं यार बने। ये रहा, बन रहा है गाइस। चलो अभी ये मेरी लास्ट ट्राई है, ठीक है? अब मैं मुझे नहीं पता मैं उसको टेम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी लास्ट ट्राई है गाइस। ये देखो मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता नहीं है मैं कितनी लेट वीडियो बना रहा हूँ आज, क्योंकि तो कई दिन वीडियो आई नहीं है। तभी मुझे एडिट भी करनी है यार इसके बाद, ठीक है? ओके। अभी मैंने झाड़ियों पत्तियों वाला सूट है जो बना लिया है, और चलते हैं भाई। तो पहले तो इसको सपोर्ट करना पड़ेगा यार। स्पॉट कहाँ पे है ये, उसके बाद देखते हैं। क्योंकि ये कहीं पे देख तो रहा नहीं है। बेसलिक यहाँ पे है कहीं पे। रुको जाओ, ये चला जाएगा ना। ओके यहाँ पे भी है। कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कहाँ पे है? ओके ये यहाँ पे है, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे है। तो मैं क्यों डरा रहा है यार? मैं पहले डरा हुआ हूं। वो बाहर निकल के खड़ा हुआ है, सीरियसली? वो कह नहीं, अभी नहीं है वो मेरे पे गुस्सा।
गाइस क्या करूं अभी इतनी झाड़ियों में यार। मुझे वो दिखा तो था भी थोड़ा सा ना। अभी ये गैस निकल रही है यहां से यार, डरा दे या डरा देता। यहाँ पे है कहीं पे, ये रहा ये रहा। अबे नहीं यार, वो इतना क्लोज तो चला गया था उसके, लेकिन कोई बात नहीं है, ट्राई करेंगे गाइस। ठीक है ओके, वो शांत हो चुका है, वो गया वो। अभी पता नहीं किसको मारने लग गया यार, क्या करूं, किस किस को मारूं, बहुत टाइम लग रहा है यार। मर जा, ये क्या हो गया वे, बेड़ा गर्क को तेरा, पता नहीं क्या हो गया था। मेरा साला डाइनो कहाँ चला गया वे, तूने बेड़ा गर्क करा है ना, तू आ क्या लेने गया था, मुझे समझ में नहीं आया यार। मैं ना उस ट्री में अटक गया गाइस, पता नहीं कैसे यार। मुझे इस बार भी डर लग रहा है कसम से, क्योंकि वो पहले उठ गया ना जब, वैसे तो पता नहीं यहाँ पे शायद से ना कोई है, गड्ढा वड्ढा है। यहाँ पे गड्ढा है नहीं है, यहाँ पे पत्थर है साला। वो किसको कैसे टेम करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। हो जा भाई प्लीज, टेम हो जा यार। बहन के छोले, बहन के लौड़े साले, तूने भैं गंद मचा के रखा है भैं, चो साले टेम हो जा। क्या करूं यार, अगर मैं किसी गलत तरीके से टेम कर रहा होगा ना, सारी पब्लिक मेरे पे हंसेगी भाई, ये पता नहीं क्या कर रहा है यार, ये इसको अकल नहीं है, ये है वो है। चलो लेकिन हंस लो, कोई बात नहीं है, आपको हक है हंसने का। आपको इसको ना उतारना ही पड़ेगा, रिपेयर कर लेता हूँ यार। लेकिन थोड़ी इस तो बात देखो बन रही है ना, अब लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो एकदम से उठ क्यों जा रहा है। बस इस बात से थोड़ा सा मैं हूँ, क्या मुझे उसके क्लोज जाके थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और अभी मुझे ना वहाँ पे चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लास्ट लोकेशन भी नहीं है। अब मेरा रेवेंजर कहाँ है, ये रहा। वैसे तो मुझे पता है वो कहाँ पे है, थोड़ा थोड़ा मुझे पता है,
लेकिन देखते हैं। चलो गाइस यार पानी में मत घुस भाई, पानी में मत घुस, पानी में तो नहीं चल पाएगा। ठीक है मेरे सर पे ना प्रेशर पड़ रहा है अभी थोड़ा सा। हट जाओ रास्ते से, तुम्हारी तो कहाँ पे मेरी लास्ट डेथ। ओके मैं सही जा रहा हूँ। ओके मैं सही जा रहा हूँ। वो भी मेरे वाले को मार रहा है यार वो। ले बहन के लौड़े मार ले उसको। अभी यहाँ पे थोड़ा रुक जाऊँ, एकदम से पास में ना जाऊँ, है ना। ओके मैं थोड़ी रिसर्च करके आता हूँ गाइस, रुको ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है तो बंधुओं भाइयों मैं थोड़ा चेक करके आ चुका हूँ, तो ये ऐसे टेम नहीं हो सकता है क्योंकि इसके लिए वाकई एग ही चाहिए गाइस, मतलब मैग्मा सौर का एग चाहिए और रॉक ड्रैक का एग चाहिए गाइस। इसको ट्रैप करना पड़ेगा, एग ड्रॉप करने पड़ेंगे, तब जाके ये टेम होगा। चलो हमने ट्राई करा ठीक है अपनी तरफ से, और ये लोकेशन मैं याद रखूँगा, आने वाले कुछ दिनों में हम इसको टेम करेंगे गाइस। ठीक है तो अभी देखते हैं डायर बेयर टेम करते हैं, और जो है हैजार्ड सूट है, जो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यार देखो हम इसको ले तो नहीं सकते हैं लेकिन देखो क्या ही मज़े की चीज़ है ना। कहाँ भाई झूल रखी है ये, वो देखो ऊपर। चलो कोई ना गाइज बढ़िया है, मज़े कर रही है मज़े। तो ठीक है गाइज यार हम बेस पे चलते हैं और अपना हैजार्ड सूट है जो वो देखते हैं भाई। वो भी कहते बनाना पड़ेगा, मतलब वो तो बनाना ही पड़ेगा, कहते क्या है सूट बनाना पड़ेगा फिर जाके अपने को एग लेके आना पड़ेगा। तो ए वेरी वेरी टफ गाइज, वेरी वेरी टफ। तो देखते हैं भाई हम नीचे अंडरग्राउंड दुनिया में जाने की गाइज तैयारी हम करने वाले हैं। पहले तो सूट अनलॉक करते हैं। तो स्पेलिंग गलत डाल दिए क्या, चलो कोई बात नहीं। इसके लिए चाहिए ब्लू जैन, वो तो मैं ले आऊँगा नो प्रॉब्लम। इसके लिए चाहिए गैस बॉल, ओके तो मैं थोड़ी रिसर्च कर लूँगा। ये मिलती हैं कई जगह पे ना, ये गैस बॉल कई जगह पे मिलती हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा। ये कैसे यार एक टर्मिनल टाइप होता है जहाँ पे मिलती है ये, रुको क्या इनको बना सकते हैं। गैस वेंटर, ओके यार ये तो वो कलेक्टर है ना। चलो मैं इस पर थोड़ी रिसर्च करूँगा गाइस ठीक है, तो उसके बाद ही टेम करेंगे। तो टेम तो नहीं कर पाए यार, ट्राई तो बहुत करा हमने, आधा घंटा तो इसी पे लगा दिया ट्राई पे ही, और एक घंटे की वीडियो बना दी होगी मैंने लगता है।
तो गाइस कोई बात नहीं, हम ट्राई करेंगे और ट्राई करने दे नाली गल बन दी है। अबे देख ही नहीं रही तू तो। ओके अभी दिख रही है, तो थोड़ा बेस बेस भी बनाते हैं यार। तो पहले तो मैं देखता हूँ यार चूहा कैसे टेम करते हैं, ठीक है, और सूट कैसे बनाते हैं ये। पर चलो मुझे टारगेट तो दो मिले ना, अभी मैं कंफ्यूज था मैं आगे क्या करूँ। तो अपन को आगे क्या करना है, अपने को चाहिए सूट, अपने को चाहिए चूहा रोल रैट, अपने को चाहिए गाइज रॉक ड्रैक के अंडे, मतलब बहुत कुछ चाहिए। अपने को चाहिए बेसलिक, सबसे बड़ी चुनौती अपने को बेसलिक चाहिए। तो बहुत सारे डाइनो मेरे को चाहिए, तो वो भी मैं टेम करूँगा। मैं आई ट्राई माई बेस्ट गाइज, ठीक है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और न्यू न्यू गाइज अपने आते रहेंगे भाई एपिसोड इसी के। तो यार डोंट गाइज मिस मत कर लेना, ठीक है जी। सो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक किए बिना, शेयर किए बिना मत जाना। ओके बाय।